जय हिंद दोस्तों, आइए आज देखते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम 2023 वाला हुआ है प्राइमरी स्तर के लिए, उसका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेड स्कोर जो होना चाहिए वो सेफ क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानने से पहले हम सभी ये जानते हैं कि जो पेपर आया था, जो पेपर इसका बनाया गया था, पेपर वन क्वालिफाइंग यानी कि लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे पास पेपर बना था उसका स्तर ऐसा था कि एक जो अधिकारी हैं उनको दे दिया जाता तो वो भी नहीं कर पाते। तो बच्चों से, अच्छा सोचिए, बच्चों से वो पेपर लिया जा रहा है जो बच्चे 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, ठीक। यानी कि ये कैसा पेपर था ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो सबने देखा था कि जो शिफ्ट वन का पेपर आया था, चाहे शिफ्ट टू का पेपर देखें, तो शिफ्ट वन का पेपर थोड़ा सा क्या था, टफ था, ठीक है, मॉडरेट टू हाई था। जबकि ये हमारे पास क्या था, ये मॉडरेट केवल था। यदि इसको देखते तो शिफ्ट टू वाला हमारे पास मॉडरेट था, लेकिन जो वो पेपर कैसा था तो ये टफ था, क्योंकि मॉडरेट टू हाई कर दिया था। क्वेश्चन कहाँ से उठाया था, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th और 11th से उठाया था। अच्छा आप खुद बताइए, मैथ के तो क्वेश्चन क्लास 11th के आपके लॉगरिथम से दिया था, आपको क्लास 10th का किससे दिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन उठा रहा है 10th का और हमको मास्टर बनना है पहले से 5 का। अच्छा थे, हालांकि ये तो बहुत सही नहीं था, ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए था, फिर भी पेपर तो अब हो गया, सबने अपना ऑलमोस्ट स्कोर मिला ही लिया होगा। तो सबसे सेफ क्या हो सकता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे सेफ जो होगा जनरल कैटेगरी के लिए, वो आपका एक्सपेक्टेड है कि 68 to 75 स्कोर होना चाहिए, यानी कि 68 से लेकर 75 के बीच जिसका स्कोर है वो एकदम श्योर रहे कि उसका एकदम आराम से सिलेक्शन होना ही होना है। अच्छा ओबीसी और ईबीसी की हम लोग बात करेंगे, ओबीसी या ईबीसी उनके लिए देखा जाए तो 62 से 70 यानी कि 62 से लेकर 70 के बीच का स्कोर सेफ माना जा रहा है, ठीक। अच्छा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सब आप जानते हैं कि जो पेपरवा हुआ है वो बड़ा कठिन हुआ था। अच्छा वैसे ही देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या होगा, तो 55 to 60 होगा, यही होगा। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होंगे उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, तो 50 से लेकर 55 तक यानी 50 से 55 के बीच स्कोर होगा। ये एक एक्सपेक्टेड स्कोर है और ये मान के चलिए कि पेपर के अकॉर्डिंग ये स्कोर सेफ स्कोर है सभी के लिए, जो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो। वैसे तो जब यही आपका होना चाहिए। फिलहाल यदि आपको जो भी लगता है कि क्या स्कोर हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। फिलहाल मेरे समझ से तो स्कोर यही होना चाहिए, आपका क्या इस पर राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।